क्लीन बीज मंत्र बहुत ही प्रभावशाली और शक्तिशाली बीज मंत्र है। इसका प्रयोग बहुत सावधानी से करना चाहिए, इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। ये भगवान कृष्ण का बीज मंत्र है, ये सम्मोहन और वशीकरण के लिए बहुत ही प्रभावशाली बीज मंत्र है। कालिका महाकाली इसकी अधिष्ठात्री देवी कही गई है, ये उनका भी बीज मंत्र है। ये सर्व सुलभ है, छोटा बीज मंत्र है, आसानी से सिद्ध हो सकता है, परंतु उसके लिए आपको नियमित इसका जाप अभ्यास करना होगा। जो लोग इस बीज मंत्र को साधना सिद्ध करने के लिए तैयार हैं, उन्हें चाहिए कि पहले बीज मंत्र को एक सफ़ेद A4 साइज की पेपर में सिंदूरी रंग से उसको पूरा रंग कर दें कि वो पूरा लाल हो जाए, और उस पर काले पेन से, काले मार्कर से क्लीन क्लींग ऐसा बीज मंत्र लिखना है। क्लीन आप देख सकते हैं, आपको हमारा क आधा और ली बड़ी ई की मात्रा और नस्वार की बिंदु, क्लीन। इस बीज मंत्र को आप लिखिए और इसको कम से कम 2 मिनट का त्राटक इस पर आपको करना है। साधना का समय रात्रि का होना चाहिए। भोजन से 2 घंटे के उपरांत अगर 8 बजे आप भोजन करते हैं तो 10 बजे तक आप इस बीज मंत्र को साधना के लिए कर सकते हैं। 10 बजे से लेकर आप आधा घंटा, 1 घंटा, जैसे आपके पास समय हो उस हिसाब से आप करें, परंतु नियमित अभ्यास से ही ये मंत्र सिद्ध होगा। करना क्या है, 2 या 3 मिनट पहले आपको उसको त्राटक करना है। सामने से रख दीजिएगा, जहाँ पर ये लाइट पड़े, आप अंधेरे में बैठिए, परंतु क्लिंग ये जो आपने A4 साइज में बनाया है, इसको चाहे तो फ्रेम करा लीजिए, चाहे तो उसको चिपका लीजिए सामने किसी बोर्ड पर। इसको आपने 2 से 3 मिनट तक देखना है। आपके वस्त्र ढीले होने चाहिए, भोजन किए हुए आपको 2 घंटे हो जाने चाहिए। थोड़ा सा जल पीना है तो आप जल पी सकते हैं, थोड़ा सा जल पास रख सकते हैं, क्योंकि जाप करते करते गला सूख जाता है। कम से कम आधे घंटे का आपको इसमें जाप करना है। ध्यान रखना, लगातार श्वास लेने और छोड़ने में थोड़ा सा अंतर हो, बाकी लगातार आपका जाप चलते रहना चाहिए, उसमें बहुत लंबा अंतराल नहीं होना चाहिए। आपने करना क्या है, जब आप साधना के लिए तैयार हो जाए, ठीक है, आपके पास ये सामने क्लीन बीज मंत्र हो जाए, तो आपने उसे त्राटक करना है, 2 से 3 मिनट लगातार देखना है, और लगातार देखना है कि शरीर आपका ढीला है, और जितना जितना आप देख रहे हैं सांसों को अनुभव करते रहिए। 3 बार ओम का उच्चारण करें धीरे धीरे, ओ सांस पूरा बाहर, फिर दोबारा सांस ले अंदर पूरा, ओ फिर दोबारा एक सांस लें, ओ और शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ें, पैर से लेकर धीरे धीरे आप अनुभव करें कि आपके दोनों पैर पूरी तरह से रिलैक्स हैं, आपकी कमर रिलैक्स है, थाई जंघाएं रिलैक्स हैं, घुटने रिलैक्स हैं, कमर रिलैक्स है, पेट रिलैक्स है। धीरे धीरे क्रम से आप अनुभव करते रहें कि दोनों शोल्डर, पहले राइट भुजा फिर बाईं भुजा, लेफ्ट शोल्डर अब पूरी तरह से रिलैक्स है, और शोल्डर से नीचे एल्बो, रिस्ट, कलाई और सारी 5 उंगलियां रिलैक्स। फिर वापस इस कंधे पर जाएं, फिर दूसरे कंधे पर आए, फिर वहाँ से कोहनी, फिर कलाई, इस तरह से आप गर्दन को रिलैक्स करें और धीरे धीरे से त्राटक करते रहें। क्लीन पर आपकी दृष्टि होनी चाहिए, जो लाल रंग की आपने सिंदूरी उस पर काले रंग से लिखा हुआ है वो आपके दिमाग में बैठ जाए, इसलिए सांसों पे आप ध्यान दें। बिल्कुल आपका सिर रिलैक्स, आपके माथा रिलैक्स, आपकी गर्दन रिलैक्स, आईज रिलैक्स। धीरे धीरे देखेंगे कि आपकी आँखें भारी होती जा रही हैं और सांस जा रही है, तो उसे अनुभव करें जैसे सांस बाहर जा रही है, वो क्लीन बीज मंत्र आपकी ओर आकर्षित हो रहा है। जैसे सांस आप बाहर छोड़ रहे हैं, वो क्लीन बीज मंत्र आपकी ओर आ रहा है, आपके मस्तिष्क पे उसका प्रभाव बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे आपकी सांस बाहर जा रही है, वो क्लीन बीज मंत्र आपके मस्तिष्क की ओर आ रहा है, और आप लगातार उस क्लीन बीज मंत्र में समा रहे हैं, आपके मस्तिष्क में क्लीन बीज मंत्र
अच्छी तरह बैठ गया है। इसका आप लगातार अनुभव करते रहें और जैसे जैसे वो चित्र, वो क्लीन बीज मंत्र आपके मस्तिष्क में बैठ जाए, आपकी आंखें भारी होने लगेंगी, आपको नींद जैसी अवस्था में लगेगी, आप मनी मन में क्लीन बीज मंत्र का उच्चारण करेंगे 21 बार। मनी मन में अभी बोलना नहीं है, 21 बार। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आंखें बंद, पूरी तरह से रिलैक्स, माइंड रिलैक्स करें। वेरी गुड, बहुत बढ़िया तरीके से आप पूरी तरह से विश्राम अवस्था में, शांत अवस्था में। आपका पूरा मन, आपका मस्तिष्क क्लीन बीज मंत्र में केंद्रित हो चुका है। आपने भगवान कृष्ण से प्रार्थना करनी है कि आपके अंदर आत्मबल आए, आपकी पर्सनैलिटी में भगवान की दिव्य शक्तियों का अवतरण हो, आप में आकर्षण शक्ति बढ़े, आपकी मन में जो एक इच्छा स्थायी रूप से जमी हुई है, बैठी हुई है, वो आपके मन की इच्छा पूर्ण हो, ऐसी भगवान से प्रार्थना करें। माँ कालिका से प्रार्थना करें। महाकाली आपकी पूर्ण रूप से रक्षा कर रही है और इस कामना में, इस कार्य सिद्धि में, मनोकामना के पूर्ण होने में जो कुछ बाधाएं हैं, जो कुछ विपत्तियां और विरोध आते हैं, माँ काली उन्हें दूर कर रही है। ऐसा भाव मन में श्रद्धापूर्वक बनाए रखें और इस बीज मंत्र का अभ्यास करें, साथ साथ बोलते रहें। हल्का उपांशु जाप करना है, बहुत तेज नहीं बोलना और बहुत धीरे भी नहीं, बस आपके कानों को सुनाई दे इतने मध्यम स्वर में आपने होठों को हिलाते हुए कंठ से, होठों से बोलना है, क्लीन 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 clean 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 clean
क्लीन 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 क्लीन
Clean.
क्लिंग 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 शांति शांति।